बसम्स अल्लाम मेरा नाम महमदरस्सलान है और मैं सी एफ एनलिस्ट हूँ मेरे चार साल के अंदर बीस पेपर पास हैं ये वीडियो मैं ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो मैंने सी फैप वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई है और इसके अंदर जो त, आ, बताने वाली बात है वो ये कि मैंने आ, जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर एक अटैम्प्ट के अंदर पाँच पेपर दिए थे जिसमें से मेरे चार जो हैं वो पास हो गए थे और बी मेरा जो एक पेपर था वो चार पाँच नंबर से फेल हो गया था तो अब मुझे बहुत सारे लोग इस अटैम में भी और पिछले में भी उसके बाद फिर मैंने दिसंबर में तीन दिए और तीनों पास हो गए लॉन्ग विद आर्टिकल्स मैंने फॉर्म में भी छुट्टियां भी इतनी ज़्यादा नहीं की आर्टिकल्स के साथ ही अपना सारा कुछ मैनेज किया उसके अलावा मैं पढ़ाता भी हूँ मैं रोज़ मैं सी एंटर को पिछले एक साल से पढ़ा भी रहा हूँ रोज़ चार क्लास पढ़ाता था मैं तो मुझसे अभी मेरे जो दोस्त हैं या और जो स्टूडेंट्स हैं नए आने वाले बच्चे हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने ये पास कैसे किए थे मैंने पाँच पेपर कैसे अपीयर हुआ था और मैंने उसमें से ये पास कैसे किए थे तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि वो मुझसे टाइम मैनेजमेंट का पूछ रहे होते हैं और पेपर की अप्रोच का पूछ रहे होते हैं सो मैं बताता चलूँ कि मैंने हमेशा जो सी फैब के भी अंदर और सी ए इंटर के भी अंदर 50 परसेंट अप्रोच यूज़ uh, की फिफ्टी परसेंट अप्रोच ये होती है कि हर क्वेश्चन को आपने ब्रेक करना है तीन हिस्सों के अंदर पहला पचास परसेंट अगला पच्चीस परसेंट और उससे अगला पच्चीस परसेंट पहला पचास परसेंट वो होता है जो कि जब आप पेपर देख रहे होंगे तो आपको आता होता है कि यार इसमें से ये जो पोर्शन है ना ये इतने ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट टू ले टू फिफ्टी परसेंट ये आसान है ये मैं कर सकता हूँ तो इस पोर्शन को ना आपने क्या करना होता है जी अच्छे से पूरा आपने करना है राइट अगला जो पच्चीस परसेंट है वो ऐसा पोर्शन होता है कि जिसमें आपको थोड़ी सी टेक्निकलिटी ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी हमें लग रहा होता है कि यार हम इस पोर्शन को भी से फॉर एग्जांपल चार फॉर एग्जांपल वो दस नंबर का फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है उसके अंदर जो पच्चीस परसेंट का पोर्शन है वो दस नंबर का सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपने उसको ब्रेक कर लेना कि यार ये दस नंबर का तो से इसमें से मैं छः या सात नंबर ले लूँगा इजीली राइट और जो पहले पचास परसेंट वाला था उसमें से भी आपको फॉर एग्जांपल वो भी बारह ग्यारह या बारह नंबर का था तो आपको लग रहा था कि यार इसमें से मैं सात आठ नौ दस नंबर से क्योर कर लूँगा टोटल क्वेश्चन के हम कहते हैं कि कितने ये कितने का है ये पच्चीस नंबर का क्वेश्चन है तो रिमेनिंग जो आपके पास रह जाता है ना रिमेनिंग जो ट्वेंटी फाइव परसेंट है वो टेक्निकल चीज होती है और वो हर अटैम्प में ना नई टेस्ट हो रही होती है तो मैं आ, क्या करता हूँ क्या करता था कि उस पच्चीस परसेंट को ना जितना मतलब समझ आ रहा होता था वो कर लेता था बाकी छोड़ देता था इससे इफेक्टिवली होता क्या है इससे इफेक्टिवली होता ये है कि मिसाल के तौर पर पच्चीस नंबर का सवाल है और आपको जो टाइम अलाउड है ना आपने अब आप उसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल सत्रह या अठारह नंबर का क्वेश्चन जो है ना वो कर लिए ठीक किए किए तो सारे ही है मतलब तो जितना समझ आ रहा था किए लेकिन उसमें से आपको अश्योरेंस ये मिल जाती है कि आपने अप टू सोलह सत्रह नंबर का ठीक कर लिया होता है इससे होता क्या है इससे फिफ्टी परसेंट वाली जो मेरी अप्रोच थी ना वो प्रोवोक होती है कि हर क्वेश्चन जो है वो पचास परसेंट से ज़्यादा ठीक होना चाहिए सेम गोज फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें भी आपने इसी तरह ब्रेक कर लेना है और तकरीबन उसको पचास परसेंट से ज़्यादा यानी तकरीबन साठ या सत्तर परसेंट के करीब ठीक कर रहे तो इफेक्टिवली क्या होगा कि जब आप पेपर पूरा कर चुकेंगे अगर पूरा नहीं हो तो से नाइन्टी परसेंट भी हो आप पेपर अटैम्प्ट करते हो सी में तो जनरली नाइन्टी तक भी एटी तक भी लोग मुश्किल से पहुँचते हैं तो अगर आप एटी या एटी फाइव परसेंट तक भी पहुँचते हो तो आपका जो आप जो कि आप कर रहे होते हो पेपर उसमें एस्टिमेट हो रहा होता है तो वो लगभग आपको पचास नंबर से ज़्यादा का हो चुका होता है मैं आपको बताता चलूँ कि जो एडवांस टैक्स का पिछले समर ट्वेंटी के अंदर क्वेश्चन पेपर आया था मैंने वो 84 80 नंबर्स का अटैम्प्ट एटी फोर नंबर्स का अटैम्प्ट किया था लेकिन मैं पास हो गया था सेम जो इस दिसंबर के अंदर कंपनी ला लाख है मैंने तकरीबन वो भी 80 एटी टू नंबर्स का अटैम्प्ट uh, किया था वो भी मेरा पास हो गया था तो ये ये अप्रोच है जो मैं यूज़ करता हूँ उसके अलावा जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से लोग पूछते हैं उसमें जो uh, मुझे जो अप्रोच अच्छी लगती है वो ये कि हर जितने नंबर का सवाल है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1.8 से नहीं करता क्योंकि जनरली 1.8 से लोग कहते हैं लेकिन मैं 1.5 से करता हूँ सेम इज़ इन एम एस एंड सीफ एप तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया उससे क्या होता है कि जब आप पूरा पेपर कर चुके हो तो ना वन नंबर पूरे उससे दस नंबर का सवाल है पंद्रह मिनट में जितना हुआ कर दिया आगे चले गए तो होता क्या है कि आखिर में जो है ना आपके पास पूरे तीस मिनट बच जाते हैं तो उस तीस मिनट के अंदर चूँकि आपकी वो शुरू में स्पीड स्लो होती है रफ्तार बनते 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 जब तो आखिर में पहुँचता हूँ तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है तो आखिरी तीस मिनट के अंदर जो है ना आप फिर बाकी के सवालों को पूरा कर सकते हैं सो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये टिप है उसके अलावा अगर आप लोगों को सवाल हो तो मुझे काइंडली यूट्यूब मेरे चैनल पर या फेसबुक पे या, या व्हाट्सएप के ऊपर मुझे आप आ, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उसको जवाब दे दूँगा थैंक यू